मधुपुर मुस्लिम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौमे पैदाइश व रबीउल अव्वल के मौके पर 52 बीघा यंग कमेटी की ओर से महफिल मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मौके पर पहुंचे उल्लुमाए इकराम व नाथ खान ने नातिया कलाम के साथ लोगों का मन मोह लिया। मौके पर पहुंचे मुफ्ती सफीउल्लाह मिसबाही ने अपने तकरीर में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के बारे में प्रकाश डालते हुए लोगों को बताया कि किस प्रकार इस्लाम धर्म आपस में मिलजुल कर व भाईचारे के साथ रहने का पैगाम देती है। आगे उन्होंने बताया कि हमारी प्यारे नबी दुनिया में जब तशरीफ नहीं लाए थे तो दुनिया में गुनाह बहुत ही ज्यादा हो रहा था। लड़की पैदा होने पर जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था। हर जगह बुराई ही बुराई थी। जब हमारे प्यारे नबी तशरीफ लाए तो बेटियों को मर्तबा दिलाया, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, यह सभी को पैगाम दिया। मौके पर हाफिज सैफुद्दीन, हबीला धुरी, सद्दाम फैजी, सावन मधुपुरी, मेहताब मधुपुरी, इश्तियाक मधुपुरी, मौलाना साजिद हसन सहित उल्लुमाए इकराम व नाथ खां ने नातिया कलाम के साथ तकरीर किए। कार्यक्रम को सफल बनाने में कमेटी के मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद मुसर्रत, मोहम्मद शमसे, रियाज अंसारी, आसिफ सकलेन, काशिफ अंसारी, एजाज आरिफ शमी, आशीष समी, दानिश जाहिद, साजिद शहाबुद्दीन सहित अन्य लोग की अहम भूमिका रही। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।